अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस वेब 3 वॉलेट पे कोई भी क्वाइन जैसे कि USDT, बिटकॉइन, BNB कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस से बाइनेंस के वेब 3 वॉलेट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस पे वेब 3 वॉलेट कैसे बना सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं, बैकअप कैसे ले सकते हैं। अगर आपने बाइनेंस का वेब 3 वॉलेट अभी तक नहीं बनाया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आप बाइनेंस का वेब 3 वॉलेट कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस एक्सचेंज से अपने क्वाइन बाइनेंस वेब 3 वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपको एड्रेस भी कॉपी नहीं करना पड़ेगा, एड्रेस खुद ब खुद वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं USDT को बाइनेंस के वेब 3 वॉलेट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो को मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब बाइनेंस एक्सचेंज से बाइनेंस वेब 3 वॉलेट पे फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा वॉलेट में। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पे देखें टॉप पे लिखा हुआ है वेब 3, ठीक है, वेब 3 पे आपको आना है। और वेब 3 पे हमने ऑलरेडी अपना वॉलेट जो है वो बनाया हुआ है, बैकअप भी लिया हुआ है, बनाया हुआ भी है। अब हम चाह रहे हैं कि बाइनेंस के अकाउंट में जितने हमारे पास USDT पड़े हुए हैं या कोई भी क्वाइन पड़ा हुआ है, जैसे अब मैं एक्सचेंज पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉट में मेरे पास USDT पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 335 USDT पड़े हुए हैं। अब मुझे यहाँ से कुछ USDT अपने वेब 3 वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसके लिए आपको ये आना होगा सबसे पहले वेब 3 वॉलेट में। यहाँ पे आ जाएं, वेब 3 वॉलेट में आने के बाद आपको आना है रिसीव में, ठीक है। रिसीव में आने के बाद ये पेज मेरे पास आ गया। अगर आपने वेब 3 वॉलेट का बैकअप नहीं लिया होगा तो सबसे पहले आपको बोलेगा बैकअप बनाने के लिए। बैकअप कैसे बनता है उसकी वीडियो पहले ही बनी हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है मूव फंड्स फ्रॉम एक्सचेंज टू वेब 3 वॉलेट। एक तो उन्होंने सिंपली ये बोला हुआ है कि यहाँ से आप सिंपली अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी और एक्सचेंज से, किसी और वॉलेट से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, जैसे कि BNB, ठीक है, मैं आ गया BNB पे, तो यहाँ पे आपको BNB का एड्रेस मिल जाएगा और नेटवर्क भी यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन है। तो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। इस एड्रेस पे आपको अपने बाइनेंस के BNB भेजने होंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे देखें सारे क्वाइंस अवेलेबल है, जो भी यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना है किसी एक्सचेंज से, किसी वॉलेट से, तो आप कर सकते हैं इजीली। अब रही बात आप बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करना है वेब 3 वॉलेट में, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखें ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है मूव फंड्स फ्रॉम एक्सचेंज टू वेब 3 वॉलेट, यहाँ पे आपको प्रेस करना है ट्रांसफ़र इन। जैसे ही आप ट्रांसफ़र इन पे आएंगे तो बाइनेंस में जितने भी आपके फंड्स पड़े होंगे फंडिंग में, स्पॉट में, वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्वाइन आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है अपने वेब 3 वॉलेट में, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखें फ्रॉम आ गया बाइनेंस स्पॉट एंड फंडिंग वॉलेट, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा एक्सचेंज का अकाउंट आ गया। उसके बाद ये बिटकॉइन वॉलेट जो हमने नाम दिया था अपने वॉलेट का, वेब 3 वॉलेट का, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर क्वाइन में आते हैं तो यहाँ पे देखें वो सारे क्वाइंस दिखा रहा है जो मेरे पास अवेलेबल हैं बाइनेंस की एक्सचेंज में। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ USDT पे, ठीक है, मुझे USDT ट्रांसफ़र करने हैं। नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होगा कि वेब 3 वॉलेट में आप कौन से नेटवर्क पर सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे नेटवर्क अवेलेबल हैं, BNB है, इथेरियम है, आर्बिट्रम है, पॉलीगॉन, ऑप्टिमम, काफ़ी सारे नेटवर्क्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखें जो सबसे कम फी है वो है BNB स्मार्ट चेन की, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सी चेन है। तो यहाँ पे मैं जो नेटवर्क सिलेक्ट करूँगा वो BEP20 है, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे करूँगा BEP20 और यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा ट्रांसफ़र पे। मैं करता हूँ ट्रांसफ़र। अब देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एड्रेस खुद ही आ गया, मुझे अपना एड्रेस कॉपी नहीं करना पड़ा, पेस्ट नहीं करना पड़ा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब जैसे ही ये आएगा तो इसके बाद आपके पास पॉपअप आ जाएगा, द करंट नेटवर्क सर्टिफिकेट इज़ नॉट सिक्योर एंड हैज़ बीन डिसेबल्ड। अभी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो एड्रेस कॉपी किया है वो सिक्योर नहीं है, क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल ट्रस्ट है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि विदड्रॉल अमाउंट कितना है। मिनिमम आप 0.29 कर सकते हैं और फ़ी आपको लगेगी 0.19। ये देखें नीचे लिखा हुआ है नेटवर्क फ़ी। सेम वही प्रोसेस है जो आप बाइनेंस एक्सचेंज से करते थे, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ भाई अपने $20 ट्रांसफ़र करने हैं यहाँ पे।
अब $20 से रिसीव कितने होंगे, 19.81 मेरे रिसीव होंगे और 0.19 मुझे फी लगेगी। तो अवेलेबल मेरे पास कितने हैं, 362 मेरे पास अवेलेबल हैं बाकी। यहाँ पर मैं करता हूँ विजड्रॉ पे, ठीक है। उसके बाद ये कन्फर्म ऑर्डर आ गया, आपसे पूछ रहा है कि नेटवर्क आपने ये सिलेक्ट किया था, एड्रेस ये सिलेक्ट किया था, अमाउंट आप इदा कर रहे हैं 20 USDT, इतनी फ़ी आपको लगेगी और स्पोर्ट वॉलेट से आपकी ये डिटेक्ट हो गए। तो यहाँ पर अगर सारी चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो आप प्रेस करें कन्फर्म। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही आपको कन्फर्म करना है, क्योंकि ये अंडन नहीं होगी। अब ये देखें यहाँ पर आ रहा है विदड्रॉल प्रोसेसिंग, ये कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और आपके जो USDT हैं वो आ जाएंगे वेब 3 वॉलेट में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक। यहाँ पे आ जाए व्यू स्ट्रीम पे, ये देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पे देखें ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गई, तकरीबन 1 मिनट इसमें लगा होगा अपनी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने में। मैं अब यहाँ पे बैक करता हूँ, मुझे ईमेल भी आ गई है, इसको बैक करता हूँ, बैक करते हैं और यहाँ पे हम वापस आ गए अपने वॉलेट पे। यहाँ पे देखें नोटिफिकेशन भी आ गया, 19.81 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। रिफ्रेश करते हैं और ये देखें 19.81 USDT हमारे आ गए वेब 3 वॉलेट में। तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये देखें कितने सिंपल स्टेप में हमारे USDT ट्रांसफ़र हो गए बाइनेंस के अकाउंट से बाइनेंस के वेब 3 वॉलेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।